नमस्कार दोस्तों, तुम लीदा ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, विदेश जाने का सपना किसका नहीं होता है। अक्सर लोगों को विदेश जाने की इच्छा मन में ज़रूर होती है, बहुत पूछते भी हैं, क्योंकि मैं इतने लोगों के क्लाइंट्स की चार्ट देखती हूँ जिनमें विदेश योग होते हैं, तो मैं बताती हूँ तो वे जातक बड़े खुश होते हैं। लेकिन ऐसे भी जातक है जिन लोगों को विदेश जाने के योग बन तो रहे हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं। ऐसे भी जातक है जिन लोगों के योग नहीं है लेकिन कुछ उपाय करने से विदेश जाने के योग जरूर बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी वो क्या उपाय करने से आपके योग भी बनेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, विदेश जाने का सपना हर कोई देखता है। कुछ ही लोग हैं ऐसे जिनके सपने पूरे भी होते हैं। कभी पैसे की कमी सपने के आड़े आ जाती है, तो कभी जरूरी दस्तावेज या फिर कागजी प्रक्रिया बाधा बनती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इन सबके होने के बावजूद भी विदेश जाने के योग्य नहीं बन पा रहे, कोई ना कोई बाधा जरूर आ रही है। तो चलिए आज आपकी इस समस्या का ज्योतिषीय समाधान जरूर कर देती हूँ। अगर करते हैं तो इन उपायों में से आप अगर किसी एक को भी करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपकी मुश्किलें आसान होगी और आपके विदेश जाने के योग जरूर बनेंगे। लेकिन सबसे पहला जो उपाय है वो मैं बता रही हूँ कि अगर विदेश जाना है तो राहु को रखिए खुश, यस, प्रसन्न रखना है। अगर राहु प्रसन्न रहेगा तो फिर विदेश जाने के योग जरूर बनते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंडली में राहु ग्रह विदेश यात्रा में विशेष योगदान रखता है। अगर किसी जातक की कुंडली का 12वां भाव यानी 12th हाउस सक्रिय होता है तो निश्चित तौर पर उस जातक को विदेश यात्रा का सुख हासिल होता है। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में पापी ग्रह भी माना गया है। ये ग्रह जातक के हर कार्य में रुकावट पैदा करने वाला होता है, इसलिए अगर चाहते हैं आपके हर कार्य सफल हो तो राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य है जिनको शुरू कर दीजिए। सबसे पहले चीज है कि राहु स्तोत्र का पाठ कीजिए और इसे कम से कम दिन में एक माला करनी है, यानी 108 माला, ठीक है। इसके अलावा राहु बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का या तो राहु स्तोत्र या फिर राहु के बीज मंत्र का कम से कम 40 दिन के भीतर 18,000 बार जाप करना लाभदायक सिद्ध होता है। वहीं शनिवार को कुष्ठ रोगियों को उड़द दाल और नारियल दान करने से भी राहु खुश होता है। साथ में काले कंबल का दान भी राहु को प्रसन्न करने में मददगार साबित होती है। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मंगलवार को करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मैं बता देती हूँ। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से लेकर 108 दिनों तक सुंदरकांड का नियमित रूप से स्नान करने के बाद पाठ करने से भी लाभ होता है। इससे भी राहु बड़ा खुश होता है और सुंदरकांड में वो पावर होती है कि वो आपकी हर इच्छा पूरी जरूर करती है। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर 3 बार हनुमान जी की प्रतिमा की उल्टी परिक्रमा भी कीजिए। परिक्रमा ऐसे कीजिए कि बजरंग बली की मूर्ति आपके बाएं हाथ की ओर हो, ठीक है। अगली जो है कि ये रत्न को पहले धारण कीजिए, इससे भी होता है लाभ। आपने रत्न देखा, आप शायद गेस भी कर रहे होंगे ये रत्न क्या है। देखिए, शास्त्र के अनुसार 4 से 6 रति वाले गोमेद, यानी इसे अगर त्रिधातु में बनवा कर पहनते हैं तो विदेश यात्रा की बाधाएं जो होती है वो दूर जरूर होती है। इसके साथ ही बुधवार से ही कम से कम 49 दिन तक कबूतरा को बाजरा खिलाइए। वही तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप अगर करते हैं, ओम हंग हनुमते नमः का पाठ अगर करते हैं, तो इससे भी आपको बाहर जाना यानी विदेश जाने की योग जरूर बन। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो पे आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।